ई नैम प्रणाली को भारत में पहली बार 14 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आरंभिक कवरेज के तहत इसे 8 राज्यों, 21 मंडियों और 24 जिंसों में लागू किया गया था। मूल रूप से ई नैम प्रणाली में तीन मुख्य हितधारक हैं, किसान, व्यापारी और खरीदार, उनके साथ प्रोसेसर और निर्यातक, जिनमें किसान प्राथमिक हितधारक है। आज धीरे धीरे देश भर की ई मंडियों में किसान आ रहे हैं और इन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं। ई नैम व्यापारियों, कमीशन एजेंटों और निर्यातकों को एकीकृत और व्यापक बाजार के माध्यम से बेहतर व्यवसायिक अवसर प्रदान करता है। किसान का तो भरपूर फायदा है, लेकिन ये ऐसी योजना नहीं है कि जो सिर्फ किसान का फायदा करती है। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो। बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। ई नैम के व्यापक उद्देश्यों में मंडियों में पसरी कमियों को दूर करना, पारदर्शी बिक्री, लेन देन और उचित मूल्य की व्यवस्था करना, व्यापारियों, खरीदारों और कमीशन एजेंटों की लाइसेंसिंग आसान बनाना, कृषि उत्पादन प्रावधान की गुणवत्ता मानकों का सामंजस्य बिठाना, बाजार शुल्क को सिंगल विंडो करना, स्थानीय मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं बनाना, सारी प्रणाली को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ना, भौतिक मंडियां बनाना जिन्हें हितधारकों द्वारा ऑनलाइन एक्सेस किया जा सके। ई नैम उत्पादकता पर जोर देने के साथ साथ मुनाफे पर भी जोर देता है। ये प्लेटफॉर्म कीमतों की सही जानकारी देता है, खरीदारों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, किसानों की संवाद क्षमता बढ़ाता है। आज ई नैम कृषि उपज के क्षेत्र में भारत के व्यापार के तौर तरीकों को तेजी से बदल रहा है। आज की तारीख में ई नैम ने 16 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 बाजारों में 1 लाख से अधिक किसानों, 1,30,000 व्यापारियों और 65,000 कमीशन एजेंटों को जोड़ा है। राज्यवार स्थिति देखी जाए तो ई मंडियों की संख्या आंध्र प्रदेश में 22, छत्तीसगढ़ में 14, गुजरात में 79, हरियाणा में 54, हिमाचल प्रदेश में 19, झारखंड में 19, मध्य प्रदेश में 58, महाराष्ट्र में 60, उड़ीसा में 10, पंजाब में 19, पुडुचेरी में 2, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 23, तेलंगाना में 47, उत्तर प्रदेश में 100, उत्तराखंड में 16, चंडीगढ़ में 1 और पश्चिम बंगाल में 17 हैं। यानी कुल मिलाकर देश में इस वक्त 585 ई मंडियां हैं। ई नैम पोर्टल 114 वस्तुओं में ट्रेड करता है। इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 52,173 करोड़ रुपए तक का कारोबार हो चुका है। ये संख्या रोज बढ़ रही है। इसके अलावा 320 मौजूदा ई नैम मंडियों में सफाई, ग्रेडिंग, छटाई और पैकेजिंग सुविधाओं के लिए और 245 मौजूदा ई नैम मंडियों में खाद इकाई के लिए 137.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ई नैम पोर्टल हिंदी, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, तमिल, गुजराती और मराठी में उपलब्ध है। ई नैम मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के माध्यम से मंडियों में व्यापार करना आसान करता है। इसके निर्बाध संचालन के लिए राज्यों को अपनी कृषि विपणन कानून में 3 बदलाव करने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस जो राज्य की सभी मंडियों में मान्य हो, और लेन देन शुल्क की सिंगल विंडो बनाना। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से धीरे धीरे पारंपरिक नीलामी प्रथाओं में भी बदलाव आ रहा है, जो नई तकनीक की बढ़ती स्वीकृति का संकेत है। ई नैम पोर्टल सभी एपीएमसी संबंधित सूचनाओं और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सर्विसेज भी प्रदान करता है। इनमें अन्य सेवाओं के साथ कमोडिटी अराइवल, गुणवत्ता और कीमतें, ऑफर और ई भुगतान निपटान, सीधे किसानों के खाते में खरीदना और बेचना शामिल है। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ई नैम पर जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जहां लेन देन की लागत कम हुई है, वहीं सही समय पर सही सूचना मिलना भी आसान हुआ है।
फिलहाल सरकार ने मार्च 2020 तक 415 अतिरिक्त बाजारों को ई नैम से जोड़ने का निर्णय लिया है। ई नैम पोर्टल पर राज्य के बाहर के व्यापारियों को लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की जानकारी भी प्रदान की जा रही है, जो व्यापार के बाद वस्तुओं के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी। ई नैम राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नैम प्लेटफॉर्म पर एक इंटरस्टेट डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है। नए साल 2019 की शुरुआत के साथ ई नैम ने दो अलग अलग राज्यों की मंडियों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार शुरू करके एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। पहले व्यापार एपीएमसी के भीतर या एक ही राज्य के भीतर स्थित दो एपीएमसी के बीच हुआ करता था। टमाटर का पहला अंतर्राज्यीय लेन देन उत्तर प्रदेश के बरेली ई नैम एपीएमसी के व्यापारी और उत्तराखंड के हल्द्वानी ई नैम एपीएमसी के किसान के बीच किया गया है। इसी तरह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ई नैम मंडियों के बीच आलू, बैगन, फूल गोभी में भी अंतर लेन देन किया गया है। सभी मामलों में ई नैम पोर्टल के माध्यम से ई भुगतान भी किया गया है। इससे किसानों को बेहतर बाजार और अधिक खरीदार मिलेंगे और उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें भी मिला करेंगी। इस कार्यक्रम की कामयाबी और जरूरत को देखते हुए सरकार का अगला कदम 22,000 ग्रामीण बाजारों को किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ई नैम से 2020 तक जोड़ने का है।